बड़े बड़े ट्रक और गाड़ियां सड़क पर नहीं चलेगी। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना। बिहार में लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो जा रही है और लोगों की मौत ऑन स्पॉट हो जा रही है। इन सब को देखते हुए बिहार परिवहन विभाग ने नया फैसला लिया है। जी हां, परिवहन विभाग ने नया आदेश जारी किया है और उसमें ये किया गया है कि बच्चों की स्कूल के टाइमिंग पे बड़े बड़े ट्रक और गाड़ियां सड़क पर नहीं चलेगी। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना, बच्चे के स्कूलों की टाइमिंग पर बड़ी बड़ी गाड़ियां सड़क पर नहीं चलेगी, क्योंकि सड़क हादसे के मामले में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। राज्य के अंदर आए दिन लोगों की सड़क हादसे में जान जा रही है या लोग बुरी तरीके से घायल हो रहे हैं। इसी कड़ी में अब बिहार सरकार ने पहल कर दी है। बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब राज्य के अंदर स्कूल टाइमिंग के दौरान ट्रैक्टर ट्रक और माल ढोने वाले वाहन नहीं चलेंगे। इसको लेकर परिवहन विभाग के तरफ से लेटर भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही लेटर डीएम एसपी के पास भी भेजे जाने की तैयारी चल रही है। बताया जाता है कि सुबह में स्कूल टाइमिंग के दौरान स्कूली गाड़ियां सड़कों पर अधिक रहती हैं, ऐसे में उस वक्त सबसे अधिक ट्रैक्टर और अन्य गाड़ियों से दुर्घटना की आशंका बन जाती है। अब इन्हीं समस्याओं को देखते हुए स्कूलों टाइमिंग के दौरान में ट्रैक्टर ट्रक व माल ढोने वाली वाहन के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। परिवहन विभाग ने कहा है कि समीक्षा में पाया गया है कि सुबह में माल ढुलाई करने वाले वाहनों के परिचालन से स्कूली बच्चों को परेशानी होती है, वहीं हादसे की आशंका अधिक रहती है। हाल के दिनों में पटना में सबसे अधिक परेशानी दिघा से लेकर नासरीगंज दानापुर से लेकर सगुना मोड़ और बाईपास के किनारे वाले इलाकों में देखी गई है। परिवहन विभाग ने सभी डीएम और परिवहन पदाधिकारी का स्कूल से पहले साइनेज लगाने का काम पूरा करने का निर्देश भी दिया है। इसके साथ ही स्कूल से पहले लगे साइनेज में गति सीमा भी तय करने का निर्देश जो है वो भी जारी किया गया है। यह निर्देश सिर्फ पटना में हो रहे सड़क हादसे को लेकर जारी किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से आजकल राजधानी पटना में सड़क हादसे हो रहे हैं, या तो लोगों की मौत ऑन स्पॉट हो जा रही है या फिर बुरी तरीके से घायल हो जा रहे हैं, जिसको देखते हुए बिहार सरकार ने बड़ी पहल की है और परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है और निर्देश जारी करके लेटर जारी किया है। और उसमें ये किया कहा गया है कि सुबह में सड़क पर बच्चों के स्कूलों की टाइमिंग होती है, बच्चे उस वक्त स्कूल जाते हैं और सबसे ज़्यादा उस वक्त सड़क पर बच्चों की स्कूली वाहन या बस चलते हैं, तो ऐसे में उस वक्त बड़े बड़े गाड़ियां सड़क पर नहीं चलेगी, चाहे वो माल ढोने वाली गाड़ी हो, ट्रैक्टर हो, ट्रक हो या फिर अन्य कोई भी बड़ी गाड़ी हो, वो नहीं चलेगी। और लेटर जारी कर दिया गया है और जल्द ही इस लेटर को पटना के डीएम एसपी को देने का निर्देश भी दिया गया। ऐसे में सिर्फ पटना नहीं, पूरे बिहार के लिए खबर जारी किया गया है और कहा गया है कि बच्चों के स्कूल के दौरान बड़े बड़े वाहन सड़क पर नहीं चलेंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।